हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? मस्त, बढ़िया। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज हम लोग फार्माकोलॉजी का चैप्टर नंबर 6 का लेक्चर नंबर 2, जहां हम लोग पढ़ने वाले हैं एंटीकोगुलेंट्स ड्रग्स के बारे में। एंटीकोगुलेंट्स मतलब जो खून को जमने से रोकेंगे। तो फायदा क्या होगा खून नहीं जमेगा तो? हमारी बॉडी के अंदर नहीं जमना चाहिए ना, है ना? हमारी बॉडी में जब खून बह रहा है तो उसको जमना नहीं। अगर वो जम जाता है तो पता है ना, जब जम जाता है क्लॉट हो जाता है, तो हमने पढ़ा है सीजर वगैरह में क्या होता है, वही ब्रेन में जाकर फंस जाता है। तो कई बार सीजर्स पड़े क्या कहते हैं, है ना, लकवा वगैरह मार जाता है, या हार्ट में अगर फंस गया तो अटैक पड़ जाता है। तो ब्लड को हमारी बॉडी में नहीं जमना है। ऐसे ड्रग्स के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी कोगुलेंट्स बोलते हैं। सिंपल, कोई टफ नहीं है, सब लोग जानते हो तुम लोग इसको। तो देखो, एंटीकोगुलेंट्स क्या है? आर द मेडिसिन दैट हेल्प प्रिवेंट ब्लड क्लॉट, जो ब्लड क्लॉट को बनने से रोकेंगे, है ना? क्लॉट पता है, ब्लड का तो छक्का जम जाता है ना? दे आर गिवन टू पीपल एट हाई रिस्क ऑफ गेटिंग क्लॉट। ये उन लोगों को दिया जाता है जिनकी बॉडी के अंदर क्लॉट बनने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, टू रिड्यूस देयर चांस ऑफ डेवलपिंग सीरियस कंडीशन सच एज स्ट्रोक एंड हार्ट अटैक। ठीक है, स्ट्रोक पड़ जाता है जो बताया गया, जब दिमाग में जाके फंस जाता है, तो वो ब्लड क्लॉट जब दिमाग की नसों में जाके फंस जाएगा तो वहां सप्लाई नहीं हो पाएगी, तो वाला पार्ट ब्रेन का क्या होता है, डेड हो जाता है। तो उन लोगों में दिया जाता है जहां पर क्लॉट बनने की संभावना बहुत ज्यादा है, जिससे कि स्ट्रोक और हार्ट अटैक जैसी कंडीशन क्रिएट ना हो। अब क्लासिफिकेशन सिंपल है, बहुत टफ नहीं है। यहां पर सिंपल तोड़ दिया गया है, पेरेंट्रल यानी कि जो हमें आईवी की तरह दिए जाएंगे, और ओरल जो हमको अपने मुंह से खाने हैं। ठीक है ना, बहुत ज्यादा कुछ है ही नहीं इसमें। अब देखो यहां पे तुम लोगों को बता दूं, मैं एंटीकोगुलेंट को समझने से पहले तुम लोगों को यहां पर एक चीज करनी पड़ेगी। अगर तुम लोगों को याद हो तो कोगुलेशन याद है, ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में जो चैप्टर नंबर हमारा 5th था ब्लड का, हमने पढ़ा था कि ब्लड किस तरह क्लॉट करता है, कोगुलेट करता है। अगर वो याद होगा तो ये क्लासिफिकेशन बहुत इजी से समझ में आएगी। वहां पे तुम्हें थ्रोम्बिन भी मिलेगा, ठीक है ना? उसी प्रोसेस में क्या था हमारे पास, थ्रोम्बिन भी था। तो थ्रोम्बिन को रोकना है, थ्रोम्बिन ये डायरेक्ट है, ये इनडायरेक्ट है। थ्रोम्बिन को बनने से रोक देगा, थ्रोम्बिन नहीं बनेगा तो हमारा ब्लड क्लॉट नहीं करेगा। विटामिन के अच्छा खासा कोगुलेंट वर्क करता है, अगर उसके बारे में पता है कहां पर किस पॉइंट पे जाकर एक्ट करता है, ये उसको रोकेगा। डायरेक्ट फैक्टर 10A इनहिबिटर, 10A तो पता ही होगा शायद, जो कॉमन लिंक होता है, ठीक है ना, उसको बनने से रोकेगा। और ओरल डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर, तो कहीं ना कहीं थ्रोम्बिन वाले 3 पार्ट है, 1, 2 और 3, ठीक है ना, और एक पार्ट है विटामिन के का, और फैक्टर 10A। अब ये 10A के अगर वो ये वाला पार्ट तुमको याद होगा तो काफी ज्यादा आसान रहेगा इस क्लासिफिकेशन को समझना, ठीक है ना? तो कुछ नहीं करना है, ह्यूमन एनाटॉमी के में जाना है, चैप्टर नंबर 5 में जो ब्लड वाला पार्ट था उसमें जो कोगुलेशन वाला पार्ट है उसको देख लेना है एक बारी, ठीक है, बस, जिससे कि सारे क्लासिफिकेशन को समझना और आसान हो जाए। अदरवाइज डायट याद कर सकते हो, डायट याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमेशा कहता हूं मैं, ये तो पता ही है तुम लोगों को, है ना, क्लासिफिकेशन में जैसे हेपरिन है अपने पास, ठीक है, ये तो बहुत ही कॉमन है, पता ही है हेपरिन क्या एंटीकोगुलेंट होता है। लीच वगैरह जो होती है वो भी हेपरिन रिलीज करती है, जिससे कि खून जमता नहीं है जब वो खून चूसती है। तो देन यहां पर आ जाएंगे तो हम लोग वैलेरियोडीन कर लेंगे इसको, यहां पर याद, ये वारफेरिन सोडियम काफी कॉमन है, ठीक है। देन यहां पे रिवारोक्सबेन, और यहां पे कर लेंगे हम लोग इसको, ठीक है। तो एक एक यहां से सबका ड्रग याद कर ले, क्लासिफिकेशन तरीका मैंने बताया ही है क्या होता है, एक लिख करके उसका एक एक एग्जाम्पल हमें देना होता है, सारे याद करने कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ जितने याद कर लो उतना बेटर है। क्लियर है? ओके, आगे आए। अब फार्माकोलॉजिकल एक्शन की बात करें तो बहुत सिंपल है, हेपरिन देख लो क्या काम करता है। हेपरिन इज अ पावरफुल एंड इंस्टेंटेनियसली एक्टिंग एंटीकोगुलेंट। क्या है ये? एंटीकोगुलेंट है। हेपरिन हायर डोज इनहिबिट प्लेटलेट एग्रीगेशन एंड प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग टाइम। अगर बहुत ज्यादा खाली है हेपरिन तो क्या करेगा, प्लेटलेट के एग्रीगेशन को रोक देगा। प्लेटलेट जब नहीं जुड़ पाएंगे, उसी चैप्टर में जो ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी वाले चैप्टर में हम लोगों ने कोगुलेशन वाले पार्ट में देखा था कि प्लेटलेट का एग्रीगेशन होता है और ब्लड को क्या होता है, बाहर जाने से रोकता है और वो क्लॉट कर देता है, वहां पे जमा देता है, ठीक है, वो हो नहीं पाएगा। तो हमारा ब्लीडिंग टाइम यानी कि जो हमारा खून बहने का समय है ज्यादा देर तक रहेगा। इंजेक्शन ऑफ हेपरिन क्लियर्स टर्बिड पोस्ट प्रांडियल लाइपेमिक प्लाज्मा बाय रिलीजिंग अ लाइपोप्रोटीन लाइपेज फ्रॉम द वेसल वॉल एंड टिश्यूज। अब इसको चाहो तो छोड़ सकते हो। अब होता क्या है, इंजेक्शन हमें क्लियर पोस्ट प्रांडियल लाइपेमिक प्लाज्मा, है ना, जो पोस्ट प्रांडियल हो गया, खाना खाने के बाद जब हमारे प्लाज्मा में जो लिपिड आकर के जमा हो जाता है ना, उसको भी क्या करता है, क्लियर करने में हेल्प करता है हेपरिन हमारा।
बात करें आगे, डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर बाइंड डायरेक्टली टू थ्रोम्बिन एंड इनहिबिट इट। अब थ्रोम्बिन से डायरेक्टली जुड़ जाएंगे और उसको काम करने से रोक देंगे। अब थ्रोम्बिन का काम क्या होता है, पूरी प्रोसेस होती है ब्लड कोगुलेशन की, है ना, 8-10 स्टेप की, जाके चेक करो उसे, वहां पे थ्रोम्बिन का वर्क मिलेगा। द टर्म ओरल एंटीकोगुलेंट रेफर टू द वारफेरिन लाइक ड्रग। तो ओरल, ये याद रखें, वन मास क्वेश्चन आ सकता है, ओरल एंटीकोगुलेंट जब भी बात आती है तो वहां पे हमेशा हम लोग बात करते हैं वारफेरिन लाइक ड्रग। वारफेरिन बड़ा कॉमन है ओरल एंटीकोगुलेंट में, विच एक्ट बाय ब्लॉकिंग सिंथेसिस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर, विटामिन के डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर। ठीक है ना, एक काम कैसे करते हैं, विटामिन के ऊपर जो डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर है उनको रोक देते हैं। ठीक है, देयरफॉर आल्सो कॉल्ड विटामिन के एंटागोनिस्ट, इसीलिए हम इसको विटामिन के एंटागोनिस्ट भी कहते हैं ना, क्लॉटिंग फैक्टर, यानी कि विटामिन के ऊपर डिपेंडेंट जो क्लॉटिंग फैक्टर है उनको क्या करता है, ये रोक देता है। क्लियर है? तो विटामिन के ऊपर डिपेंडेंट जो विटामिन के की वजह से क्लॉटिंग फैक्टर अपना काम कर रहे हैं, वो क्लॉटिंग फैक्टर अपना काम नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हम इसे विटामिन के एंटागोनिस्ट भी बोल देते हैं। क्लियर है बातें? चले आगे, डोज। तो डोज हमेशा की तरह अपने मनपसंद, एक तो मनपसंद मतलब जो अच्छे अच्छे लगते हैं याद कर सकते, हेपरिन हो गया, ठीक है ना, देन तो इसमें आ जाएगा हेपरिन हो गया, और एक और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो तुमको याद करना है, डेट इज वारफेरिन सोडियम। ठीक है ना, ये दो तो पक्के याद कर लोगे, उसके अलावा दो अपने मन से जो आगे वाले क्लासिफिकेशन उनके याद करो, ये दो पक्का याद होने चाहिए तुम्हें, हेपरिन का और वारफेरिन सोडियम का। ठीक है ना, क्लियर है? तो हेपरिन हमारा किस में आ जाएगा, एक तरह से पेरेंट्रल में आ गया, और वारफेरिन हमारा किस में आ गया, ओरल वाले में आ गया। क्लियर है बातें? ठीक है, इंडिकेशन, अब इंडिकेशन की बात कर लें, तो प्रोफाइलैक्सिस ऑफ डीप वीन थ्रोम्बोसिस, प्रोफाइलैक्सिस मतलब डीप वीन थ्रोम्बोसिस, कहीं अंदर बहुत अंदर थ्रोम्बोसिस है ना, खून जमना रहा हो, एंड पल्मोनरी एम्बोलिज्म। एम्बोलिज्म क्या होता है, तो खून का जो थक्का होता है जम जाता है उसके अंदर आ रहा होता है नसों में जो बहता करके, एम्बोलिज्म वाला पार्ट हमने काफी डिटेल में पढ़ रखा है। इन हाई रिस्क पेशेंट अंडरगोइंग सर्जरी स्ट्रोक एंड अदर इमोबिलाइज्ड पेशेंट, ठीक है ना, तो कहां कहां हमको देना है, प्रोफाइलैक्सिस ऑफ डीप वीन थ्रोम्बोसिस डीवीटी, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, एंड इन हाई रिस्क पेशेंट अंडरगोइंग सर्जरी। ठीक है, स्ट्रोक और अदर इमोबिलाइज्ड पेशेंट, जिनको स्ट्रोक हो रखा है या अदर पेशेंट जो मूव नहीं कर सकते हैं उनको हम लोग क्या करेंगे, उसके अंदर ये प्रेफरेंस रहती है। अनस्टेबल एंजाइना में हम इसको देंगे, मायोकार्डियल इंफार्क्शन में देंगे। बाइविलरुडीन इज इंडिकेटेड एज एन एंटीकोगुलेंट इन पेशेंट अंडरगोइंग परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन, ठीक है ना, पीसीआई, परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन। इट कैन ऑल्सो बी यूज इन अनस्टेबल एंजाइना, और इसको हम लोग अनस्टेबल एंजाइना, ये अपना हार्ट वाला आ गया, परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन है ना, जो स्टेंट वगैरह पड़ता है अपना। ठीक है, तो ये चीजें क्या है, आप जैसे यहां पे इंडिकेशन तुम्हें लगता है नहीं दिक्कत है, सिंपल याद रखो, इंडिकेशन में एक लाइन में डीप वीन थ्रोम्बोसिस पल्मोनरी एम्बोलिज्म। ठीक है, दूसरा क्या याद रखोगे, अनस्टेबल एंजाइना मायोकार्डियल इंफेक्शन, एक एक लाइन में खत्म कर दोगे कि इन सब जगहों पर हम लोग इनका इस्तेमाल करते हैं। मत लिखो इसको कहां इस्तेमाल, पीसीआई लिखो, पल्मोनरी परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन और अनस्टेबल एंजाइना, है ना, एक एक लाइन में खत्म कर दो कि इन इन चीजों में हम लोग क्या करते हैं, इनका इस्तेमाल करते हैं, किसका, एंटीकोगुलेंट्स का। कॉन्ट्रा इंडिकेशन, अगर किसी को ब्लीडिंग डिसऑर्डर है ना, खून बहुत ज्यादा बहता है, हिस्ट्री ऑफ एचआईटी, देन सीवियर हाइपरटेंशन, रिस्क ऑफ सेरेब्रल हेमरेज, ठीक है, हाइपरटेंशन इतना याद रखेंगे, किसी को बहुत ज्यादा थ्रेटेड अबॉर्शन, किसी को अबॉर्शन होने का डर है, पाइल्स है, जीआई अल्सर है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल अल्सर्स हैं, ऑक्यूलर एंड न्यूरो सर्जरी, लंबर पंक्चर होना है किसी का, या ऑक्यूलर और न्यूरो सर्जरी हो रखी है किसी की, क्रोनिक अल्कोहलिक्स है ना, जो बहुत ज्यादा ड्रिंक करते हैं, सिरोसिस है ना, सिरोसिस क्या होता है, लिवर सिरोसिस वगैरह, जिसके अंदर से हल्का हल्का सा कुछ चीज रिसाव कर रही हो, चीज क्या होती है एक्चुअली, वो लिवर के अंदर से एक तरह लिक्विड निकलना स्टार्ट हो जाता है तो लिवर सिरोसिस कहा जाता है। रीनल फेलियर, जो आसानी से याद हो जाए वो याद रखेंगे, किडनी काम नहीं कर रही है। एस्पिरिन एंड अदर एंटीप्लेटलेट ड्रग शुड बी यूज्ड वेरी कॉशियसली ड्यूरिंग हेपरिन थेरेपी। तो अगर हेपरिन चल रही है किसी की थेरेपी तो एस्पिरिन और अदर एंटीप्लेटलेट ड्रग को हम बड़े ध्यान से यूज करेंगे। तो कुछ नहीं है यहां पे, हम लोग क्या करेंगे, सिंपल ब्लीडिंग डिसऑर्डर, हाइपरटेंशन वालों को, जीआई अल्सर को देख लेंगे, अबॉर्शन, जिसको अबॉर्शन होने का डर है जिनका, ऑक्यूलर न्यूरो सर्जरी वाले केस में, क्रोनिक अल्कोहलिक या सिंपल जो अल्कोहलिक लिख लेंगे हम लोग यहाँ पर, ठीक है, रीनल फेलियर, जो इजीली हमको याद हो जाए कि उन किस किस केस में हमको इनको नहीं देना है, वो हम लोग इजीली चार पांच अपने टर्म्स याद कर लेंगे।
है ना, ये तो करना है हमको, और कुछ करना ही नहीं ज्यादा, ठीक है। यहां जो बीमारियां हैं ना उनमें डिटेल में नहीं चले जाना कि इन बीमारियों को भी डिटेल में करने चले बैठ जाओ। हाँ, अभी अगर समझ में नहीं आ रही है तो एक लाइन में उसको डाल करके, HIT है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, एक लाइन में देख लो कि होता है क्या है ये। बहुत डिटेल में मत चला जाना, डिटेल में चले जाओगे तो फिर बस उसी को करते रहोगे। इसके अंदर ये 4-5-6 बीमारियां हैं ना, अगर कहो समझ में नहीं आ रहा, थ्रेटेंड अबॉर्शन नहीं आ रहा समझ में, सर ने तो बोल दिया कि अबॉर्शन हो रहा, अबॉर्शन होता क्या है। अब अबॉर्शन बेटा छोटी नॉर्मल सी चीजें, सबको पता होती कुछ चीजें, ठीक है ना। तो अगर नहीं पता है तो इनको एक लाइन में जाके देख सकते हो कि ये होता क्या है। बहुत ज्यादा डिटेल में मत चले जाना कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। बात समझ में आ रही है, कॉन्ट्राइंडिकेशन हो गया और ये छोटू सा चैप्टर हमारा लेक्चर ये भी खत्म हो जाता है, ठीक है। तो तुम्हें करना क्या है, पढ़ते रहना है, रिवाइज करते रहना है, और कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कॉल कर लेना है और पढ़ते रहो, ठीक है, पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो। ऑल द बेस्ट।